हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, होप करता हूँ आप लोग भी सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत हो गया आप सभी लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और हर बार की तरह आज मैंने फिर से एक नया दिन है, नया ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मैं मम्मी के साथ जा रहा हूँ चांदनी चौक। चांदनी चौक में थोड़ी सी मार्केटिंग करनी है अपनी शॉप के लिए, तो चलते हैं। और दिन की शुरुआत हनुमान जी के दर्शन करके, मैंने दर्शन कर लिए, आप भी दर्शन कर लो हनुमान जी के। जय हनुमान, जय श्री राम। चलते चलते एक भैया लेके जा रहे हैं रेडीमेड कितने सारे फ्लावर्स हैं, बहुत अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम जा रहे हैं चांदनी चौक और मेरे साथ मम्मी है। हेलो मम्मी। तो हम दोनों शॉपिंग करने जा रहे हैं अपनी बुटीक के लिए, तो देखते हैं वहाँ से क्या क्या सामान हम खरीद पाते हैं। अभी हमने क्या सोचा हुआ मम्मी, वैसे क्या क्या लेना है? ओके, आज मैं बहुत सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। अभी फिलहाल हम लोग मेट्रो में आ गए हैं। मेट्रो से 5 स्टेशन तो है राजीव चौक के, उसके बाद 3 स्टेशन रहेंगे चांदनी चौक के। मेट्रो में मैं कुछ ज्यादा शूट कर नहीं पाऊंगा, तो अभी सीधा डायरेक्ट आपसे मिलूंगा चांदनी चौक। राजीव चौक उतर गए, चांदनी चौक पहुंच गए हैं और चांदनी चौक में बहुत क्राउड है। अभी फिलहाल चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं और आज धूप बहुत ज्यादा तेज है और इसी के साथ साथ दिन की शुरुआत हो गई है सुबह की पहली धूप से। शॉर्टकट से जा रहे हैं, कच्चा बाग रास्ता है, ये कच्चा बाग गली है, उस गली से जा रहे हैं और देखो क्राउड कितना ज्यादा आज। और गाइस फाइनली हम लोग मार्केट में आ गए हैं। यहाँ पे देखो हर शॉप पे सिर्फ सूट ही सूट दिखेंगे। गाइस यहाँ से हम लोग सूट्स ले रहे हैं अपनी शॉप के लिए और बहुत सारी वैरायटी है, थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। और ये थोड़ी सी और वैरायटी है जो हमें पसंद आ गए। तो गाइज अभी कुछ 3 नग जितना सामान ले लिया हमने, शॉपिंग हो गई है, सामान ले लिया है। सामान क्या लिया हमने, पहले बुक करवा रखा था वही सामान हमने उठाया है और थोड़ा बहुत जो सामने देखे थे पीस वो उठा लिए, वो ले लिए हैं। तो करीब करीब 3 बैग हमने भर भर के सूट्स ले लिए हैं और अभी फिलहाल यहाँ से घर जा रहे हैं। और गाइज यहाँ से मैं ले रहा हूँ फ्रूट चाट और ये हमारी फ्रूट चाट बन के तैयार है। फ्रूट चाट के बाद अभी मैं आया हूँ ये रबड़ी वाले भैया के पास, ये है रबड़ी। अभी यहाँ से रबड़ी पैक कराते हैं और लेके जाएंगे घर। और रबड़ी के बाद ट्राई कर रहे हैं कुल्फी। कितने की है भैया? 30। रियल मेहनत ये है, देखो सामान उठा के हम मेट्रो से लेके जाएंगे मेट्रो से घर और उसके बाद फिर बेचेंगे। जाते जाते एक चीज और ले रहे हैं हम यहाँ पे भैया, और कितना जबरदस्त फलूदा बन के तैयार हो रहा है। गाइस फाइनली फलूदा बन के तैयार है, इसको टेस्ट करते हैं कि कैसा है टेस्ट में। फलूदा टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। बहुत टेस्टी है, बहुत मजेदार है, इसको एंजॉय करते हैं उसके बाद फिर आगे का शूट करेंगे। तो गाइज ये है मेहनत वाले हाथ, देख रहे हो पूरे लाल हो गए हैं सामान उठा के। मैं अपने घर पहुंच गया हूं और अभी मैं किसी काम से जा रहा हूं बैंक, वहां पे थोड़ा सा पेपर वर्क है वो कंप्लीट करते हैं। पेपर वर्क कंप्लीट हो गया, अब यहां से चलते हैं घर। और कमेंट करके बताना आपको मेरी ये वाली कटिंग कैसी लग रही है, ये वाला हेयर कट कैसा लग रहा है। मुझे काफी जने कॉम्प्लीमेंट दे चुके हैं कि आपका फेस बहुत अच्छा लग रहा है, आपका कट हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज अभी जस्ट मैं घर पहुंचा ही हूँ और मुझे याद आया कि आज है मंगलवार, आज ट्यूसडे है, आज हनुमान जी का दिन है। तो मैं हर ट्यूसडे हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाता हूँ और प्रसाद चढ़ाने के बाद मैं जाता हूँ गौशाला गौ माता को गुड़ खिलाने। तो अभी फटाफट निकलते हैं यहाँ से गौशाला। मैं पहुंच गया हूँ गौशाला और यहाँ पे मैंने गुड़ भी ले लिया है, तो जल्दी से चलते हैं अंदर। सारी की सारी गाय मेरा वेट कर रही होंगी क्योंकि उनको मैं गुड़ खिलाता हूँ, तो वो मेरा करती है कि कब मैं आऊंगा और उनको गुड़ खिलाऊंगा। तो चलते हैं फटाफट अंदर। जो गौशाला है वो कुछ ऐसा है यहाँ पे और ये सारी की सारी गायें अभी देखना कितने चौक से खाएंगी गुड़। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुड़ ले लिया है और अभी देखना कितने चौक से खाएंगी गायें। ये गुड़ लिया है मैंने, अब देखना कितने खुश होके खाएंगी। जय माता दी। और ये देखो ये वेट कर रही है कि मैं इनको गुड़ डालूंगा। गाइस अभी फिलहाल गुड़ खिला दिया गौ माता को और सारी की सारी गायें इतना खुश होती हैं जब मैं आता हूँ। अभी गौशाला से निकला ही हूँ और यहाँ पे साईं बाबा का मंदिर है, तो अभी मैं फिलहाल साईं बाबा के दर्शन करने आया हूँ मंदिर में। तो अपनी चप्पलें यहाँ जमा करा देते हैं। मंदिर एंटर होते ही इतनी बड़ी फोटो है हमारे साईं बाबा जी की और यहाँ से आगे मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा हूँ। तो चलो आपको साथ में लेके चलता हूँ, आज आपको भी दर्शन कराता हूँ साईं बाबा मंदिर के, साईं बाबा के। गाइस यहाँ से स्टेप्स चढ़ के सामने हमें दर्शन होते हैं बाबा जी के, बहुत खुले दर्शन है इस टाइम। और देखो गाइस आपको साईं बाबा जी के कितने अच्छे दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे साईं बाबा पालकी में बैठे हैं, थोड़ा
थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ आपको। साईं बाबा बैठे हैं, देखो गाइस यहाँ पे साईं बाबा जी के चरण हैं। मैंने तो बहुत अच्छे से दर्शन किए, आपको भी अच्छे से दर्शन हुए होंगे, आपने भी अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे मेरे इस वीडियो से। गाइस अभी फिलहाल स्कूटी जो है मैंने पार्क कर दी है और अभी मैं पापा के साथ जा रहा हूँ पूसा। पूसा पहुंच गए और यहाँ से अपनी जो वॉक है उसको कंटिन्यू करेंगे। हेलो पापा, कैसे हो? आप लोग एकदम बढ़िया। यहाँ से हमारी जो पूसा की वॉक है वो शुरू हो गई है। अभी हम पूसा के अंदर आ चुके हैं, अपनी ट्रैक रोड पे आ गए और आज बहुत दिनों बाद फिर से पूसा वॉक करने आ गए हैं। और गाइस ये देखो, ये पेड़ गिरने वाला था, ये पेड़ गिरने वाला था, पापा ने बचा लिया गिरने से। जय श्री राम। आप लोगों के सभी के मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और मेरे को इतना अच्छा लगता है कि आप इतने पॉजिटिव कमेंट करते हो, बहुत मोटिवेशनल कमेंट्स होते हैं आपके और मेरा मन करता है कि मैं और वीडियो बनाऊं। और गाइज अभी हम अपनी वही पुरानी रोड पे आ गए हैं जो कि बहुत फेमस रोड है। यहाँ पे सारे के सारे नीम के पेड़ हैं और पापा हमेशा की तरह मेरे से आगे ही आगे जा रहे हैं। पूसा की मदर डेयरी पहुँच गए हैं और आज इतनी स्पीड में हम कवर कर रहे हैं ना अपनी वॉक। देखो सामने आ गई है पूसा की मदर डेयरी और यहाँ पे फ्रेंड्स मिल रहे हैं पापा के। नमस्ते अंकल। और यहाँ पे सब फ्रेंड्स मेंबर्स हमारे एंजॉय कर रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद जॉगिंग करने को मिल रही है वो भी पापा के साथ। और गाइज अभी ये वाली सीधी रोड हमें लेके जाएगी इंदरपुरी पूसा गेट। यहाँ पे सारे मेंबर्स मिल रहे हैं पापा। आइए सर, आइए। हेलो, मेंबर्स मिल रहे हैं पूसा में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को एक बढ़िया सा सीन दिखाऊं, ये देखो जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ पे खेत ही खेत है ना, मजेदार एकदम सीन। और अभी इंदरपुरी पूसा गेट पहुँच ही रहे थे कि यहाँ पे हमें राजू अंकल मिल गए। भाई खुश हो? खुश हो, बहुत बढ़िया। कैसे? रोज पापा को सेंड कराते हैं, पूरी सर्दियों में पापा को बहुत याद कराते हैं भैया, बहुत मेहनत करा रहे पापा के साथ, बहुत मेहनत कराते पापा के। फिलहाल हम लोग इंदरपुरी वाले पूसा गेट से निकल रहे और अब वापस जा रहे हैं राजेंद्र नगर वाले पूसा के। और अभी बीच में पापा के फ्रेंड्स और पापा चाय मांडी करेंगे थोड़ी सी। नमस्कार बेटे, नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू गाइस। आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जब से मेरी वो बुटीक वाली वीडियो जो है उसमें व्यूज आए 10,000+, सब लोग और अच्छे तरीके से जानने लग गए, मतलब मेरे से अच्छे से मिलते हैं आप। तो वही आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि YouTube की पावर इतनी है, मतलब एक जान पहचान अच्छी हो गई है, मेरे को जानने लगे हैं, तो ये चीज बहुत अच्छी है। पूसा में ही नहीं बल्कि बाहर भी मेरे को काफी मेरे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं और उनको अच्छा लगता है मेरे साथ पिक क्लिक कराना, तो ये चीज एक बहुत अच्छी लगती है जो मेरे को YouTube की तरफ से मिली है। और यहाँ पे मैं जूस वाले के भैया के पास पहुँच गया हूँ, एकदम ताजा ताजा जूस बना के देते हैं। और गाइस ये जो ऑरेंज है ना, ये फ्रेश ऑरेंज है, ये पूसा के ही ऑरेंज है जो मैंने आपको उस दिन वीडियो में दिखाया था ना। भैया एक 40 वाला बना दो। तो गाइस पूसा में ताजा ताजा ऑरेंज का जूस। चीयर्स। जूस को पी के देखते हैं कि कैसा है टेस्ट में। बहुत ज्यादा पल्पी और बहुत मजेदार, एकदम फ्रेश जूस है पूसा का। ये पूसा के अंदर जो ऑरेंज लगे होते हैं उन्हीं को तोड़ के ये लोग जूस बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं जहाँ पे ऑरेंज लगे हुए हैं, तो वहाँ से ये फ्रेश ऑरेंज तोड़ के जूस बनाते हैं और इतना टेस्टी है ना जूस, मजा आ गया पूसा में। और गाइस अभी फिलहाल मैं वो चाय वाली टपरी पे जा रहा हूँ और ये रास्ता इतना खतरनाक है ना, देखो एकदम जंगल जंगल है। और यहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स हमारे एंजॉय करेंगे चाय पार्टी। यहाँ पे देखो कितने अच्छे मेंबर हमारे एंजॉय कर रहे हैं।
देखो कितने अच्छे से एंजॉय करते हैं सारे मेंबर्स। दसवीं दिन उम्मीद अपने सोने सोने तेरे नए दिन तेरे खाते मर जावांगा तेरी हान दे तू तो साडे गले विच नहीं आंदे अच्छा तो तेरे घर भी टोर जाऊंगे जावांगे जिथे तू बैठी है उथे तेन फर लांगा तू नहीं सानू जान दे तो आज तक जान ले। और गाइस ये पेड़ देखो कितना बड़ा पेड़ है और इस पेड़ में अभी सारे के सारे पत्ते झड़ गए हैं। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया तो अभी फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं वापस राजेंद्र नगर वाले पूसा गेट। और ये देखो कितनी अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पे और मैं यहाँ शॉर्टकट से जा रहा हूँ, मतलब इतना पूरा घूम के आना पड़ता है और ये बीच में शॉर्टकट्स दे रखे हैं और यहाँ पे बीच में छोटे छोटे शॉर्टकट्स दे रखे हैं। मैं वहाँ से निकल जाता हूँ थोड़ा सा जल्दी पहुँचने के लिए। अभी एक शॉर्टकट वहाँ से लिया था और अभी एक शॉर्टकट यहाँ से ले रहा हूँ और देखो ध्यान से सामने पापा जा रहे हैं। तो गाइज अब बस थोड़ी सी देर रह गई है हमें पूसा गेट तक पहुंचने की तो मैंने सोचा इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो होप करता हूं गाइज आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल सागर सचदेवा को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलूंगा आपसे किसी और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।